गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जॉब्स में। तो दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके और इस समय हम लोग का 2000 जीके क्वेश्चन आंसर का सीरीज चलता है, जिसका ये पार्ट 5 है। पार्ट 1 से 4 का आपको पहले ही वीडियो अवेलेबल करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उस सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप क्वेश्चन, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं और देखने को मिलेंगे। अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी है एसएससी के, स्टेनो, जीडी या फिर अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीडीएस और अदर एग्ज़ाम, सब में आपको इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन जियोग्राफी का। 21 से 25 हम लोगों ने बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर के देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भट्टा किस कारण से आता है? कच्ची का बात आ रहा है ज्वार भट्टा का। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, और फिर पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से समुद्र में अधिकांशतः क्या था, ज्वार भट्टा की घटनाएँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो घाटी को गहरा करने की प्रक्रिया होती है नदी की तरुणावस्था में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा आपको। फास्ट में मैं सब कुछ कम टाइम में ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण सुरक्षण पुरस्कार है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार को क्या बोला जाता है, सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार बोलता है, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार बोला जाता है, गोल्डन पांडा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य जो होता है उसका जो ऊपरी परत होता है उसको क्या बोला जाता है, तो किरीट बोला जाता है, कोरोना या फिर किरीट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, कोरोना या फिर किरीट कहलाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो किस रूप में कोयले का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, मतलब उसका प्रतिशत मात्रा चारों ऑप्शन में से किस में ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसे कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? जिसे आप देखते हो कृषि कौन करता है, किसान लोग करता है। तो किसान लोग कृषि के लिए क्या क्या उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है? फर्स्ट तो पौधा, मतलब कि बीज वगैरह के लिए पड़ता है, बीज होता है कि नहीं, बीज का ज़रूरत होता है, मतलब क्या आ गया, पौधा की श्रेणी में आ गया। और दूसरा कब जरूर, दूसरा क्या जरूरत पड़ता है, जब बीज वगैरह के लिए या फिर बुआई वगैरह में या फिर खेत वगैरह के अच्छे से रखवाली वगैरह में, चाहे खेत का और कुछ काम होता है उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, तो उनको पशुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फर्स्ट तो पौधा यानी कि बीज वगैरह हो गया, फिर दूसरा पशु हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन की ओर देखिए, यहाँ पर पौधों और पशुओं को, फिर फसल वाले पौधों को, सिर्फ फसल वाले पौधों के ही से ही आप क्या कर सकते हैं, कृषि तो नहीं कर सकते हैं ना। फिर कृषि को, कृषि शास्त्र, कृषि को, कृषि यहाँ पे क्लियर आपका आंसर नहीं हो रहा है। फिर आ रहा है केवल फलों के पौधे को, ऐसे तो नहीं ना सिर्फ केवल फलों के पौधे को आप लोग मतलब कृषि की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पौधों और पशुओं को, मतलब कि जो कृषि शास्त्र है, मतलब कृषि किससे ज़्यादा संबंधित है, किससे किसको उन्नत करता है, तो पौधों और पशुओं को उन्नत करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? क्या ज्वालामुखी पर्वतमाला, ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर।
तो दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा ट्रिकी वे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए महासागर, महासागर सब में तो कॉमन है ही। अब देखिए यहाँ पे आता है ज्वालामुखी पर्वतमाला, तो पर्वत से हम लोग वर्ड पकड़ेंगे प, और फिर इसमें आ रहा है त। तो देखिए इसमें जितना भी ऑप्शन है उसमें प और त कहाँ पर आया है, तो देखिए यहाँ पे प्र और त, यहाँ पे प्रशांत महासागर में आ रहा है कि नहीं, बाकी यहाँ पे किसी में भी आपको प और त देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। सामान्यतः ज्वालामुखी पर्वतमाला प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है, प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी पर्वतमाला पाई जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जब ग्रेफाइट चट्टाने रूपांतरित होती है तो क्या बनता है, मतलब जब ग्रेफाइट चट्टानों के रूप में रूपांतरित होती है तो क्या बनता है। ऑप्शन है क्वार्टजाइट, नाइस, संगमरमर या फिर स्लेट। तो यहाँ पे अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइस बनता है जब ग्रेफाइट चट्टाने के रूप में रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है, तो क्या बनता है, नाइस बनता है, नाइस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ऑप्शन है नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि संरक्षण, औषधीय पौधे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना कौन सी क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन है दक्षिण यानी कि दक्कन का पठार, फिर है गंगा घाटी, उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र या फिर पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपके करेक्ट हो जाएगा, गंगा घाटी के नज़दीक में, गंगा घाटी से संबंधित क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा घाटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भागों को क्या कहते हैं, जो पश्चिमी तट होता है उसके उत्तरी भागों को क्या कहा जाता है। तो बोला जाता है उसको कोंकण कोस्ट बोला जाता है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण कोस्ट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप कॉमन सेंस से इसका आंसर आपको देना दे सकते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली तीन फसलों का, फसलें कौन सी, यहाँ पे फसलें हो जाएगा, फसलें कौन सी हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, फसल है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए चारों ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको खुद पता चलेगा कि आपके लिए सबसे सूटेबल तीन ठो फसल कौन सा है। तो बताइए गेहूं, चावल, जौ, तो यहाँ पे फिर आपका जौ आ जा रहा है। आप जौ का कुछ खाते हैं, नहीं खाते होंगे शायद, तो यहाँ पे आपका जौ में थोड़ा डाउट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है चावल, मक्का, सोरघम, सोरघम का तो शायद आप फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आता है गेहूं, मक्का, सोरघम, यहाँ पर भी सोरघम आ गया, तो ये तो दोनों ऑप्शन होना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है गेहूं, चावल, मक्का, तो गेहूं से आप तो रोटी खाते ही हैं, चावल मतलब चावल तो खाते ही हैं, मक्का भी आप लोग देखे हुए होंगे, उसका खाए ही होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे सूटेबल क्या लग रहा है खाने के सेंस में, जौ तो आप लोग खा नहीं सकते हैं, सबसे सूटेबल क्या लग रहा है, मक्का यहाँ पे लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, गेहूं, चावल और मक्का। मतलब कॉमन सेंस थोड़ा यूज कीजिएगा तो उस टाइप में भी आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन है खेती, विनिर्माण, दूध उत्पादन और ट्रेडिंग। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन तृतीय क्रियाकलाप है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कि दूध, दूध कहाँ से मिलता है हम लोग को, गाय से मिलती है, दूध गाय देती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, गाय का जन्म होता है कि नहीं, गाय का जन्म होता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको पाला जाता है, मतलब उसका परवरिश किया जाता है, पालना परवरिश होता है, जन्म से ही वो दूध देना शुरू थोड़ी ना कर देगा, सबसे पहले उसका जन्म होगा, फिर उसको पाला जाएगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तब क्या करेगा, दूध का उत्पादन करेगा, तब दूध होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब तृतीय क्रियाकलाप आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा, तो दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को आपको बताना है।
तो यहाँ पे बात हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के, बंदरगाह में क्या वर्ड आ रहा है हम लोग का, वर्ड आ रहा है। तो सारे ऑप्शन में देखिए तो ब कहीं पे वर्ड आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ब आ रहा है कि नहीं, मतलब मुंबई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये ट्रिक नहीं है, फिर भी अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर वर्ड से अगर किसी आंसर को अगर कवर करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जैसे बंदरगाह, तो ब इसमें वर्ड आ रहा है और किसी में नहीं है, तो मुंबई हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। कोरल रीफ मतलब कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। चलिए इसको हम लोग, इसको भी हम लोग वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कोरल, तो कोरल में हम लोग क्या आ जा रहा है, ऑप्शन हम लोग पकड़ेंगे र और ल, र और ल यहाँ पे हम लोग वर्ड पकड़ते हैं। तो बताइए यहाँ पे किस में र और ल दोनों आ रहा है, कैरिबियन में आ रहा है का, देखिए यहाँ पे र आ रहा है ल नहीं आ रहा है, फिर फिलीपींस में तो र ल र है ही नहीं, इंडोनेशिया में वो भी नहीं है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में, देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया ट्रे में क्या आ रहा है, र आ रहा है कि नहीं, आधा र मतलब र आ रहा है, और फिर उसमें भी ल भी आ रहा है, तो र केरल, देखिए यहाँ पे कोरल रीफ किससे संबंधित हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आप वर्ड से पकड़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बगदाद जो है शहर वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ज़्यादा बार चार से अप्रोक्स चार पाँच से ज़्यादा बार ही आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, ये तो आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है खादर मिट्टी, बंगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, फिर रेगुर मिट्टी। चलिए इसको हम लोग, इसको भी हम लोग व्हाट्सएप करने की कोशिश करते हैं। रेगुर से हम लोग क्या बनेगा, रेगुर से हम लोग का बन जाएगा लंगूर, तो आप देखते हैं वो लंगूर कैसा होता है, भूरा होता है, भूरा होता है कि नहीं, तो भूरा किस टाइप में होता है, भूरा मतलब कि काला, भूरा और काला में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं ना होता है, भूरा मतलब कि काला, तो मतलब रंग रेगुर से बन गया लंगूर, तो लंगूर क्या होता है, काला होता है, भूरा मतलब काला होता है, तो काला मिट्टी किससे संबंधित हो जाएगा, रेगुर मिट्टी से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है, क्या है यहाँ पे एकत्र हुए तारों, धूल और गैस, सब जगह अगर गुरुत्वाकर्षण एक जगह पर अगर सब तारा धूल और गैस एकत्र हो जाए तो उसको क्या बुलाता है, तो उसको बुलाता है मंदाकिनी बोला जाता है, यानी कि आकाश गंगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, मंदाकिनी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, क्या बात हो रहा है यहाँ पे, सबसे शुष्क स्थान मतलब सबसे सूखा हुआ स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन है किन्या, चिली, कांगो और फिर लीबिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जी चिली जो स्थान है वो क्या है, सबसे शुष्क है पूरे पृथ्वी पर, सबसे शुष्क कौन है, तो चिली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं, क्या बात हो रही है यहाँ पे, तरंग कटाव, तरंग कटाव का सेंस हुआ जो जमीन होता है, अर्थ ये सब जो जमीन है इसके अंदर क्या होता है, जब पानी जो होती है वो क्या होता है, कटाव करता है, जो मान लीजिए पानी है तो अंदर ही अंदर क्या करता है, वो कटाव करता है तरंग के रूप में, देखिए तरंग के रूप में है तो क्या करता है, कटाव करता है, तो इससे क्या बनता है, बनने वाली भूमि को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है ज़मीन के अंदर जो कुछ भी यहाँ पे कटाव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ के बीच का क्या होगा, मिट्टी जो रहेगा मिट्टी वो क्या होगा, पूरा दह जाएगा, बह जाएगा, तो मिट्टी यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो खोखला बन जाएगा, तो खोखला बन जाएगा मतलब कि क्या बन जाएगा, एक तरह से गुफा टाइप में वो दिखाई देगा, गुफा टाइप में बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिले वह क्या कहलाती हैं, द्रुमाकृतिक, जाली यानी कि फम्फड़ी, आयताकार या फिर त्रिज्यीय, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाली यानी कि फम्फड़ी कहलाती है, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिले क्या कहलाएगी, जाली यानी कि फम्फड़ी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है स्थल मंडल, मेसोफियर, गुरुमंडल या फिर परितारक केंद्र स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ एक क्या बात हो रहा है, पृथ्वी की कोर यानी केंद्रीय भाग को, तो केंद्रीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी, ऑप्शन है खनिज पदार्थों की कमी से, अनुपयुक्त जलवायु की दक्षता, अनुपजाऊ भूमि, फिर है परिवर्तीय स्थलाकृति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? तो अनुपयुक्त जलवायु की दशा की वजह से क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी कारणों से विरल है, अलग है अनुपयुक्त जलवायु की दशा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? क्या फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन है आपका बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, फिर है गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाने का उद्देश्य नहीं था फरक्का बैरेज के निर्माण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डैश वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। तो किस मौसम में वनों में वृक्ष अपने निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, मतलब उस समय पतझड़ आता है? ऑप्शन है यहाँ पे सदाबहार, गरान, पर्णपाती, कटीले। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, पत्तों की बात हो रहा है, पतझड़ की बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पत्ता किस में आ रहा है, वर्ड से पकड़ने की कोशिश कीजिए, किससे पकड़ा रहा है? ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पे आ रहा है पर्णपाती, मतलब पर्ण मतलब पत्तों का गिरना, इस सेंस में आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाती मतलब कि पत्ता। ठीक है, 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 50-25 क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में, ट्रिकी वे में कंप्लीट किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका 10 AM में नेक्स्ट वीडियो मिलेगा GK 2 का, यानी कि आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें देसी ही ट्रिकी वे में देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल पर जरूर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।